दोस्तों, जिंदगी में एक चीज हमेशा याद रखना, जहां से आपको शिक्षा यानी एक ज्ञान जहां से मिल रहा है वहां से क्या करो, बटोरना सीखो, लपेटना सीखो। जहां से जितना मिला वहां से लपेटना सीखो। अगर आपके सामने एक छोटा बच्चा भी कोई नया चीज कर रहा है तो उसको वहां से वो सीखना सीखो। अगर एक कुत्ता भी आपके सामने भूख रहा है तो उससे कुत्ते से भौंकना सीखो, क्योंकि समय आने पर भौंकना भी पड़ता है। तो चलिए, आज का वीडियो हमारा क्या है, सीड क्लासिफिकेशन के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या बात आती है, सीड यानी बीज हमको किसको कहते हैं। डिफिनेशन सबसे पहले बॉटनी के लैंग्वेज में क्या हो जाएगा आपका, एंजियोस्पर्म यानी हिंदी में बोलते हैं इसको आवृत बीजी। क्या बोलते हैं, आवृत बीजी पौधों में, किसमें, आवृत बीजी पौधों में फल के अंदर, किसी भी फल के अंदर बीजांड के फर्टिलाइजेशन के द्वारा जो स्ट्रक्चर बनता है, किसके बीजांड यानी ओब्यूल बोलते हैं, ओब्यूल, ओब्यूल के फर्टिलाइजेशन के द्वारा यानी फल स्वरूप जो स्ट्रक्चर बनता है, यानी जो हमारा स्ट्रक्चर बनता है स्ट्रक्चर, उसको क्या कहते हैं हम, सीड कहते हैं। सिंपल से आपका डिफिनेशन हो जाएगा क्या, एंजियोस्पर्मिंग प्लांट में फ्रूट के अंदर, किसके अंदर, फ्रूट के अंदर यानी कि फल के अंदर, किसके अंदर, फल के अंदर बीजांड के निषेचन के फल स्वरूप जो हमारा स्ट्रक्चर बनता है यानी संरचना बनता है, उसे क्या कहते हैं, सीड कहते हैं। लेकिन हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, सीड क्लासिफिकेशन किसकी भाषा में, एजी की भाषा में, न कि हम बॉटनी की भाषा में पढ़े। चलिए, तो अब इसको हम आगे चलते हैं क्या इसके क्लासिफिकेशन के बारे में। तो इसको हमारा पांच भागों में बांटा गया है, पांच भागों में बांटा गया है, किसकी, एजी के अकॉर्डिंग। अगर बॉटनी के अकॉर्डिंग बोलेंगे तो बॉडी बॉटनी में होता है मोनोकार्डिलियन, डाईकार्डिलियन। लेकिन हम क्या करेंगे यहाँ पे करेंगे हम इसका क्लासिफिकेशन किसके अकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन यहाँ पे हम किसके अकॉर्डिंग करेंगे, ईजी की अकॉर्डिंग यानी कि एग्रोनॉमी की अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए, इसका क्लासिफिकेशन में पहला क्या हो जाएगा आपका, एक ट्रिक आपको हम बता देते हैं आपके लिए, खुद मैंने ट्रिक बनाया जाता है, हम ही आप लोग बनाते हैं इसको। तो ट्रिक देखिए क्या हो जाएगा आपका, NBFRAC, हम ए यहाँ पे कैपिटल क्यों लिखे, आपको बताते हैं क्यों लिखे हैं। इसका ट्रिक हो जाएगा क्या, नेहा बुलाई कहाँ पे बुलाई, फ्रांस, नेहा बुलाई फ्रांस, यानी कि नेहा बुलाई फ्रांस, यहाँ पे हो जाएगा 1 2, यहाँ पर 3, यहाँ पे 1 4, यहाँ पे 1 5, यानी कि पांच, आपको पांच भागों में हमारा क्या कहा, क्लासिफाइड किया गया है। तो यन से हम आपको बताते हैं क्या होता है, यन से हमारा होता है न्यूक्लियस, क्या होता है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस सीड, न्यूक्लियस सीट को हम हिंदी में बोलते हैं। न्यूक्लियस मतलब होता है केंद्रक, केंद्रक नाभिकी भी बोलते हैं, नाभिक केंद्रक भी बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा, या तो इसके मूल केंद्रक बोलो, मूल केंद्रकी बीज बोलो, या फिर नाभिकी बीज बोलो, चाहे जो बोलो आप, ठीक है। अब चलते हैं दूसरा आपका क्या हो जाएगा, पहले इसको हम बता देते हैं इसमें क्या क्या केसेस होते हैं। तो देखिए, यहाँ से आपका क्या हो जाता है, न्यूक्लियस, इसके क्या क्या कैरेक्टर आपका हो जाएगा, कैरेक्टर वन में हो जाएगा आपका, आपका क्वेश्चन यही आपसे पूछा जाएगा कि आपका जो ये कहाँ से निर्माण किया जाता है यानी कहाँ से बनता है। तो कहाँ से बनता है आपका, पहला केस हो जाएगा स्वयं स्वयं प्रजक प्रजनक प्रजनक कृषि अनुसंथानों या फिर विश्वविद्यालयों में यह केस, इसका निर्माण किया जाता है कहाँ पे, कृषि यूनिवर्सिटी और कहाँ पर, इंस्टीट्यूट यानी अनुसंधानों में इसका निर्माण किया जाता है। आपका दूसरा केस क्या हो जाएगा, आपका क्या क्वेश्चन पूछेगा, यही पूछेगा कि प्योरिटी क्या होते हैं, जेनेटिक प्योरिटी यानी कि जेनेटिक प्योरिटी पूछेगा आपको एग्जाम में। देखिए, यहाँ पर जेनेटिक प्योरिटी पूछेगा तो कितना होता है इसका, 100% इसका शुद्धता होता है, बीज का शुद्धता कितना होता है, 100% होता है, यही क्वेश्चन आपसे पूछता है। आपका थर्ड केस का हो जाएगा आपका, इसमें टैग टैग किस रंग का होता है यानी टैग, इस तो इसमें जनरली क्या होता है, इसमें टैग नहीं लगा होता है। अब टैग क्या होता है, टैग ये होता है
कि आपने हस्बेंड्री में पढ़ा होगा कि पशुओं को पहचानने के लिए कान में टैग लगाया जाता है, उसी प्रकार से हमको बीजों को पहचानने के लिए टैग लगाया जाता है, ताकि हमको ये पता हो सके कि न्यूक्लियस बीज है कि सर्टिफाइड बीज है कि या पक्का रजिस्टर्ड बीज है। ठीक, अब इसमें टैग नहीं होता है, नो टैग। क्या नो टैग आपका? तो दोस्तों इसके बाद आएगा आपका सेकेंड नंबर पे, क्या आएगा? न्यूक्लियस हो गया, बीज क्या होता है? ब्रीडर सीड। क्या होता है आपका? ब्रीडर क्या होगा? ब्रीडर सीड। इसको अब इंग्लिश में क्या, हिंदी में क्या कहते हैं? तो इसको हिंदी में कहते हैं प्रजनक, प्रजनक बीज। क्या कहते हैं? प्रजनक बीज। इसका आपका निर्माण कैसे होता है, कहाँ होता है इसका निर्माण? इसका निर्माण होता है न्यूक्लियस के द्वारा ही होता है। आपको हम एक चीज हमको बताना भूल गए, न्यूक्लियस में क्या होता था, पहले आपको बता दें कितने भाग होते हैं। ठीक है, क्या होगा आपका? न्यूक्लियस, न्यूक्लियस हो जाएगा आपका। फिर उसके बाद होगा इसका निर्माण किससे होगा? ब्रीडर से। ब्रीडर का निर्माण किससे होगा? न्यूक्लियस से। ठीक, ब्रीडर। फिर उसके बाद किसका आता है? इसके बाद यफ से क्या हो जाएगा आपका? फाउंडेशन, फाउंडेशन। अब इसके बाद क्या आ जाएगा आपका? आर से क्या आ जाएगा आपका? रजिस्टर्स, रजिस्टर्ड। आगे सी आप लगा लीजिएगा। ठीक, अब आता है सी। सी से क्या हो जाएगा आपका? सर्टिफाइड, सर्टिफाइड, सर्टिफाइड। ठीक, अब देखिए न्यूक्लियस हमें पढ़ लिए, न्यूक्लियस हम तीन केसेस पढ़े पीछे, लेकिन एक बात और इसमें क्या बताना भूले, क्योंकि देखिए ये इसका ये होता क्या, फार्मर पर्पज के लिए नहीं होता है। किसके पर्पज के लिए नहीं होता है? फार्मर पर्पज के लिए नहीं होता है, पर्पज के लिए नहीं होता है। बस ये आपका अनुसंधानों में रिसर्च के लिए होता है, केवल रिसर्च के लिए। अब ब्रीडर, ब्रीडर की बात की जाएगी तो ब्रीडर का निर्माण होता है न्यूक्लियस से, न्यूक्लियस सीड से निर्माण। इसका निर्माण किससे होता है? न्यूक्लियस सीड से होता है। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका निर्माण इसके द्वारा होता है। अब सेकेंड केस में आपका हो जाएगा, सेकेंड केस में आपका हो जाएगा, अब इसका जो होता है प्योरिटी होता है, इसका प्योरिटी कितना होता है? प्योरिटी यानी जेनेटिक प्योरिटी कितना होता है इसका? इसका भी 100 होता है। कितना? 100, यानी 100% यह शुद्धता इसमें पाया जाती है। यही आपसे क्वेश्चन पूछेगा, इतना जितना हमको बता रहे उतना ही आपको कंपटीशन के लिए बेसिक चीजें हैं। आपका थर्ड, तीसरा क्या हो जाएगा इसमें? टैग। टैग जो होता है इसमें क्या लगा होता है? गोल्डन, गोल्डन येलो, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं सुनहरी पीला, सुनहरा पीला बोलते हैं। यही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसका टैग किस कलर का होता है? सुनहरा पीला। ठीक, अब आगे चलते हैं। इसके बाद आता है क्या हमारा? फाउंडेशन, फाउंडेशन। ठीक, यहाँ पर लिख देते हैं फाउंडेशन, फाउंडेशन। ठीक है, फाउंडेशन सीड। चलिए, अब इसमें क्या फर्स्ट केस क्या आ जाएगा आपका? न्यूक्लियर जो इसका निर्माण किससे होता है? तब फाउंडेशन सीड से क्या होता है इसका? इसका जो निर्माण होगा हमारा ब्रीडर सीड से होगा। फर्स्ट केस में आपका हो जाएगा ए, ब्रीडर सीड से क्या होगा इसका निर्माण होगा। ठीक, अब आपका दूसरा क्या हो जाएगा? प्योरिटी पूछेगा आपसे, प्योरिटी कितना होता है? 98%, 98% क्या होता है इसका? प्योरिटी होता है यानी शुद्धता होता है, शुद्धता, रिजल्ट वैल्यू। ठीक, आपका हमको पता है फर्स्ट वीडियो में। ठीक, आपका थर्ड में क्या आ जाएगा? टैग। टैग किस कलर का होता है? टैग हम बोलते हैं, टैग इसका होता है व्हाइट कलर का, व्हाइट। व्हाइट को हम क्या बोलते हैं? सफेद बोलते हैं, सफेद कलर का इसका टैग होता है। अब फाउंडेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम फाउंडेशन। फाउंडेशन को एक और नाम से जानते हैं, मदर, मदर। इट इज ऑल्सो नोन एज मदर सीड, यानी मातृ बीज भी इसको बोलते हैं। क्या? मातृ बीज, मातृ बीज। यहाँ पे लिख लीजिए मातृ बीज। जितना हम आपको बता रहे हैं केवल कंपटीशन लेवल के बता रहे हैं, और परफेक्ट अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। ठीक, अब इसका फाउंडेशन सीट क्या क्या हिंदी हो जाएगा? आधारी बीज। कभी कभी आपको फंसाने के लिए दे देता है हिंदी इंग्लिश दोनों में, तो आप कंफ्यूज ना होइएगा। ओके, चलिए आधारी बीज। चलिए ठीक, अब इसके बाद आपका क्या बात आती है? आपका हमारा आ जाएगा रजिस्टर्ड। ठीक, चलिए भाई, चलिए भाई, चलिए रजिस्टर। क्या आ जाएगा आपका? रजिस्टर। तीसरा आपका हो जाएगा रजिस्टर।
रजिस्टर्ड सीड, यानी हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, पंजीकृत, क्या बोलते हैं, पंजीकृत बीज, पंजीकृत बीज। थोड़े सा राइटिंग हमारा हैंड राइटिंग थोड़ा खराब है, लेकिन फिर भी आपके लिए परफेक्ट है। रजिस्टर्ड सीड यानी पंजीकृत बीज बोलते हैं इसको हिंदी में। इसका प्रथम क्लास क्या हो जाएगा, इसका निर्माण कैसे होता है, फाउंडेशन सीड से, आपके एरो का चिन्ह लगा है ठीक, फाउंडेशन सीड से इसका निर्माण होता है, फाउंडेशन सीड से इसका क्या होता है, निर्माण होता है ठीक है। आपका सेकंड कोर्स, सेकंड केस में क्या हो जाएगा, प्योरिटी, प्योरिटी पूछेगा आपसे ठीक, कितना हो जाएगा, 98 भी हो जाता है ठीक। अब आपका यहाँ पर सी क्या हो जाएगा, टैग, टैग रजिस्टर का क्या होता है, टैग पर्पल कलर कलर का होता है, पर्पल, पर्पल बोले तो पर्पल को हिंदी में क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बैगनी बोलते हैं, बैगनी बोलते हैं, बैगनी कलर का इसका टैग होता है ठीक है। चलिए एक बार इसको फाउंडेशन में एक चीज बताना भूल गए, क्या बताना भूल गए, कुछ नहीं बताना भूल गए। चलिए आपका अब सर्टिफाइड हो जाएगा, इसके बाद चौथा आपका आ जाएगा क्या, सर्टिफाइड बीज, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम, प्रमाणित बीज, प्रमाणित बीज, प्रमाणित बीज इसको भी हिंदी में बोलते हैं। तो इसमें आपका प्रथम केस हो जाएगा क्या, तो इसमें प्रथम केस हो जाएगा, ये भारत में नहीं, इसका नहीं, इसका कोई भारत में कोई काम नहीं होता है, क्या होता है इसका, यूएसए में काम होता है, क्या, यूएसए में होता है इसका काम, प्रथम केस हो जाएगा। आपका सेकंड केस क्या हो जाएगा, इसका निर्माण कैसे होता है, यहाँ पे आपका चेंज, इसलिए मैंने यहाँ पे एरो का चिन्ह नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पर इसका निर्माण तो इससे होता था, इसका निर्माण तो इससे होता था, इसका तो इससे, लेकिन यहाँ पर इसका चेंज हो गया है, इसका निर्माण कैसे होगा, इससे होगा, किससे होगा, उससे। आपके लिए ये बिट ट्रिक बहुत परफेक्ट है दोनों। नेहा बुलाई फ्रांस, कहाँ बुलाई फ्रांस, नेहा बुलाई फ्रांस, राहत इंदौरी से आप बोल गए हैं, बुलाती है मगर जाने का नहीं, वो वाला नहीं, यहाँ पर नेहा बुलाई फ्रांस ठीक। चलिए बी के क्या कैसे हो जाएगा, इसका निर्माण कैसे होता है, ब्रीडर से, ब्रीडर सीड से होता है। थर्ड केस आपका सी क्या हो जाएगा, इसमें प्योरिटी पूछेगा आपसे, क्या पूछेगा, प्योरिटी पूछेगा, तो प्योरिटी हमारा 98%, यहाँ पे हमारा ए 100 हो जाएगा ठीक, ए 100 हो जाएगा, लेकिन ए जो हमारा है 98 99 ठीक। अब चले यहाँ पर डी आपका क्या हो जाएगा, टैग, टैग हमारा क्या होगा, टैग हमारा क्या होगा यहाँ पे, टैग ब्लू, नीला, नीला आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है, एक भी नहीं छोड़ने लायक नहीं है, ब्लू यानी इसका रंग, टैग का रंग कितना कैसा होता है, नीला होता है। लेकिन आपका देखिए एक चीज आपसे हम बता दें, फाउंडेशन में क्या होता था, इसका जो बीज का निर्माण होता था ना, वो इसका यन यस सी, आपको हम अगले वीडियो में बता चुके हैं कि यन यस सी क्या होता है, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन यानी कि बीज निगम होता है, राष्ट्रीय बीज निगम होता है, जिसकी स्थापना सन 1964 ईस्वी में हम आपको बता चुके हैं। तो इसका निर्माण यहाँ पर किया जाता है कृषि अनुसंधानों में ठीक है। आज के लिए हमारा अब ये छोटा सा वीडियो आज का पसंद आया होगा, चलिए इसके लिए लाइक करिए, शेयर कीजिए।